बढ़िया लगा ये योग साधना के 7 दिन करके, और ऐसा लगा जैसे खुद शिव यहां पर उतरे हैं, है ना, जिसे हम शिव कहते हैं, जो एक मृत्यु के देवता बोले जाते हैं, विनाश के देवता बोले जाते हैं, है ना। लेकिन वो ध्यान ही है, मतलब ध्यान के देवता है। लेकिन आज साक्षात हुआ मुझे कि शिवत्व यहाँ पर उतरा है, कि प्रभु का प्रसाद यहाँ पर उतरा है। हमें इनके नजीक अगर रहेंगे, इनके सानिध्य में रहेंगे, तो हमें भी प्रसाद का कुछ लाभ होगा इनके सानिध्य में रहने से। हमें भी अपने जीवन में ये योग साधना करनी चाहिए, इनके सानिध्य में रहना चाहिए, जहाँ पर शिवत्व उतरा है साक्षात शिवित्व। वो शिवित्व तो हमने नहीं देखा कभी, और देखा भी नहीं जाएगा कभी, क्योंकि वो तो निराकार है। हमेशा शिव राम कृष्ण कभी उतरेंगे इस धरा पर, तो इसी तरह उतरेंगे जैसे अगर गुरु जी उतरे। और ये साधना करते रहे, एक दिन ये प्रसाद हमें भी छुएगा, इनकी तरंगें हमें भी छुएंगी, जैसे आज छू रही है 7 दिन से। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि इनके और हमारे में क्या फर्क है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमारा भी कोई कसूर नहीं, हमारा मन ऐसा है, हमें लगता है ये तो जैसे हम खाते हैं ऐसा ही खाते हैं, हम पीते हैं ऐसा ही चलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, हमारे साथ घूमते हैं, वो पता नहीं चलता इनमें हमें क्या फर्क है। और इनका भी मजबूरी है, उनको पर जो घटा है शिवत्व, है ना, जो प्रसाद बरसा है प्रभु का, वो ऐसे सीधा सीधा ऐसे जैसे दे रहे हैं ऐसे दे नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इनके सानिध्य में रहना चाहिए। इनका जो प्रसाद है, जो भेष प्रभु का उतरा है, वो हमें भी छुएगा। बस इसी प्रार्थना के साथ आप सबको।